एंटेना एंड वेव प्रोपेगेशन की फोर्थ यूनिट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटेना डिज़ाइन। तो बेसिक टाइप के एंटेनाज हैं, जैसे कि डाइपोल एंटेनाज हैं। तो डाइपोल एंटेना की स्टडी करने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद फील्ड्स किसी शॉर्ट डाइपोल की कैसे हम निकाल सकते हैं वो, और उसके बाद हम देखेंगे उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज हैं और वो दो चार्ज एक बहुत ही कम या छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये दोनों ही सेपरेटेड हैं बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी। हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए, इसकी फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, हमने इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रखा है कि ओरिजिन पर इन डाइपोल्स के दोनों एंड्स एक ओरिजिन से प्लस डी बाई टू डिस्टेंस पर है, एक माइनस डी बाई टू डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इस प्लस क्यू वाले पॉइंट चार्ज से जिस पर्टिकुलर पॉइंट यानी पी पर मेरे को फील्ड निकालनी है वहां की डिस्टेंस देखूं तो वो डिस्टेंस है आर वन, और माइनस क्यू वाले चार्ज की डिस्टेंस है उस पॉइंट पी से आर टू। वो पॉइंट पी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हमें आर थीटा और फाई लेने पड़ेगी, इसीलिए मैंने ओरिजिन से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करी है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज आर। नाउ मुझे पता है कि अगर ओरिजिन से मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर कनेक्ट करता हूँ तो वो डिस्टेंस आर होती है, और उस डिस्टेंस और उस जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस आर और थीटा के बीच में और इस डिस्टेंस आर वन आर टू या डी के बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे, और उन रिलेशनशिप से बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ग्रेडियंट से, है ना। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पी को थोड़ा पास में रखता हूँ तो आर वन आर टू और आर मुझे सारी अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी, लेकिन हम एंटेना में बात करते हैं क्योंकि मैं एंटेना के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो एंटेना में हम लोग बात करते हैं फार फील्ड की। फार फील्ड मतलब वो पॉइंट जहाँ पर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो। तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट मतलब ये, अगर ये पी पॉइंट मेरा बहुत दूर हो जाएगा तो आर वन आर टू और आर तीनों लाइन्स ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो अगर मैं इस इमेज में इस्तेमाल करूं तो यहाँ पर आर वन और आर टू और आर ये तीनों बेसिकली पैरेलल लाइन्स हैं, एक डिस्टेंट पॉइंट पी की तरफ जा रही हैं। और अब चाहे मैं आर वन से वो एंगल लूँ वो भी थीटा है, चाहे मैं आर से एंगल लूँ वो भी थीटा है, चाहे मैं आर टू से एंगल लूँ जेड एक्सिस का वो भी थीटा है। नाउ अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन वी इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं आर टू और आर वन एक एलसीएम ले लूँ आर वन आर टू का, तो ये हो जाएगा आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर वन आर टू और क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे आर टू माइनस आर वन निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर, ये वाला आर, और आर वन और आर टू चूंकि ये पॉइंट बहुत डिस्टेंट है तो आर वन इन टू आर टू दैट विल बी आर स्क्वायर, एंड आर टू माइनस आर वन आप देख सकते हो आर टू माइनस आर वन अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो आर टू और आर वन का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस का कॉस थीटा, है ना, यानी आर टू माइनस आर वन क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। तो हमने डी कॉस थीटा यहाँ निकाल लिया, और ये डी कॉस थीटा हम यहाँ पर आर टू माइनस आर वन को रिप्लेस कर देंगे, आर वन इंटू आर टू को हम रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर से, तो इट विल बिकम दिस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा टू अ डिस्टेंट पॉइंट पी। ठीक, अब अगर मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है तो उसका ग्रेडियंट निकालने के बाद मैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेड इक्वल टू जीरो ये वाला जो प्लेन है ना, ये पूरा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मेरा पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो है मतलब हम इसको बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, है ना, और उस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस से अगर मैं पॉइंट पी को यहाँ पर ले लूँ एक्स वाई प्लेन में तो मेरा पोटेंशियल हमेशा जीरो आएगा, है ना। तो मैं किसी भी पॉइंट को जब रेफरेंस पॉइंट अज्यूम करूंगा तो वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गो एंड कैलकुलेट, बिकॉज पोटेंशियल मेरा उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब मैंने ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी एक्सप्रेशन से, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, डेल वी बाई डेल आर ए आर क्या, वन अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा ए थीटा क्या, और वन अपॉन आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल फाई ए फाई क्या,
इस एक्सप्रेशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर पोटेंशियल ये है, मैंने इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर और उसकी ए आर कैप से मल्टीप्लाई कर दी। फिर इस एक्सप्रेशन को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और मैंने 1/r से डिवाइड करके 1/r से मल्टीप्लाई करके ए थीटा कैप इसके आगे लगा दिया और फिर मैंने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू फाई। नाउ यू कैन सी दैट वी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई, तो आप इसको बाई डिफॉल्ट क्या कर सकते हो, दिस इज जीरो, है ना। तो मेरे केवल दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, एक ए आर कैप और एक थीटा कैप, जो मैंने डिराइव करके ये निकाल रखे हैं, क्यू डी कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू ए आर कैप, माइनस साइन ऑलरेडी है कॉस थीटा की वजह से माइनस साइन थीटा आएगा और माइनस एक ऑलरेडी है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी कॉस थीटा तो ऐसे ही 1/r² का -1/r³ हो जाएगा इस वाले केस में, और यहाँ पर कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 1/r³ ऐसे ही है, 1/r² ऐसे ही है, और आर तो यहाँ ऑलरेडी बाहर था तो यहाँ r³ ही रहेगा। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन आ जाएंगे डाइपोल के केस में। अब ये डाइपोल था मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें मैंने चार्ज अज्यूम करे थे। अब अगर मैं यही डाइपोल शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करूं तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं एक एलिमेंट लूंगा लगभग इतना ही बड़ा और वो करंट एलिमेंट होगा, उसमें किसी एक डायरेक्शन में करंट प्रोपगेट हो रही होगी, करंट फ्लो हो रही होगी, और फिर मैं उस करंट एलिमेंट की वजह से किसी डिस्टेंट पॉइंट पर फील्ड निकालूंगा। लगभग यही सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव या लेंदी है, वो हम अब देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q d cos Q d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2 cos थीटा ए आर कैप प्लस साइन थीटा ए थीटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में लगभग यही सेम इमेज है, यहाँ पर मैंने पॉइंट चार्ज ना बना करके एक करंट एलिमेंट माना है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर करंट जो है आई वो जेड डायरेक्शन में ऊपर, जेड की पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से आर, डिस्टेंट पॉइंट मैंने ज्यूम करा है क्योंकि फील्ड हम फार फील्ड निकालते हैं और फार फील्ड के लिए हमें डिस्टेंट पॉइंट चाहिए, तो पहले स्टार्टिंग एलिमेंट की वजह से डिस्टेंस है R1 और एंड वाले एलिमेंट की वजह से डिस्टेंस है R2 उस पर्टिकुलर डिस्टेंट पॉइंट की। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में अगेन डी कॉस थीटा का डिफरेंस है, अगर ये पूरी डिस्टेंस डी है तो ये आधी d/2, ये वाली आधी d/2, और ऑलरेडी दिस डिस्टेंस से मेरी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस इस आर से एक्स्ट्रा चल रहा है R2, और इस आर से ये R1 जो है मेरा इतना कम चल रहा है, यानी d/2 cos थीटा कम चलेगा R1 और dr2 d/2 cos थीटा एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। अब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हमें एक डिफरेंट टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, रिटार्डेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट जितनी तेजी से इंक्रीज होगी उतनी तेजी से उसका इफेक्ट दूसरे पॉइंट पर महसूस नहीं होगा, तो अगर मुझे उस इफेक्ट को कंपनसेट करना हो तो वो मैं कंपनसेट करूंगा यूजिंग रिटार्डेशन इफेक्ट। क्या होता है, ये जो भी इफेक्ट है, जो भी करंट एलिमेंट यहाँ पर जो भी चेंज हो रही है, सपोज मैंने आई जो है साइनोसॉइडल करंट लगाई और साइनोसॉइडल करंट में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन इस टिप पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं और बीच में कितने हैं, किस किस टाइम पर, वो मुझे पता लगेगा कि उसका जो इफेक्ट है वो इंस्टेंट नहीं है, तो वो एक इंटरवल के बाद मुझे महसूस होगा। यानी जो भी डिस्टरबेंस, यानी जो भी करंट में मैंने चेंज करा, डिस्टर्ब करे मैंने करंट को, तो वो प्रोपेगेट होगी कुछ डिस्टेंस पर, एक मतलब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर, हमें उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक टाइम इंटरवल की रिक्वायरमेंट होगी। वो टाइम इंटरवल को मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि मैं अपने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज करूंगा। दिस इफेक्ट इज बेसिकली द रिटार्डेशन इफेक्ट, क्योंकि करंट में अगर कोई भी चेंज हुआ इस एलिमेंट में तो वो उस डिस्टेंट पॉइंट पर महसूस होने में कुछ टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम डिले है दैट डिले इज बेसिकली द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही डिले। तो ड्यू टू दिस इफेक्ट द करंट इज गिवन बाई, बेसिकली अगर ये करंट है उस करंट को रिप्रेजेंट करता हूँ मैथमेटिकली, तो सपोज I0 इज द मैक्सिमम करंट, साइनोसॉइडल करंट है तो उसको मैं लिख सकता हूँ e to the power j omega t, लेकिन चूंकि एक डिस्टेंट पॉइंट r पर, r डिस्टेंट पर
अगर मैं अपना इस करंट के इफेक्ट को मेजर करना चाहूंगा तो करंट की एक्चुअल वैल्यू उस डिस्टेंट पॉइंट पी पर कितनी फील होगी, दैट इज बेसिकली ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। नाउ दिस आर बाई वी इज, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल टू द पॉइंट एंड वी इज द वेलोसिटी बाय विच द वेव्स आर ट्रेवलिंग। तो अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो फ्री स्पेस में मेरी वेलोसिटी वही होगी जो स्पीड ऑफ द लाइट है, लेकिन अगर मेरा कोई डिफरेंट मीडियम है उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि मेरी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कंपैरेटिवली कम होगी। अब शुरू करते हैं फील्ड्स ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन। तो अभी जो हमने इमेज देखी उस इमेज में हमने देखा कि एक डी डिस्टेंस का डाइपोल था, करंट एलिमेंट था, ओरिजिन से डी बाई टू ऊपर और माइनस डी बाई टू नीचे, और मैं डिस्टेंट पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उस डिस्टेंट पॉइंट के बीच में जो तीनों, अगर मैं उन तीनों एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स और एक सेंटर पॉइंट को अलाइन कर दूंगा तो वो तीनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी और उस पैरेलल की वजह से फील्ड मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, चूंकि ये करंट एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पोटेंशियल निकालूंगा जिसको बोलेंगे रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल, और वो बेसिकली क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसे हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो हमें ये पता है कि ये जो मेरा ए जेड है, ए जेड दैट मीन्स जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जब डेरिवेशन करता हूँ तो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, फिर उसके बाद वेक्टर में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ उस रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें ये पता है कि मेरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। इंटीग्रेट करते हैं हम जो भी मेरा करंट एलिमेंट है माइनस डी बाई टू से लेकर के डी बाई टू तक एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा। और मैं किसकी इंटीग्रेट करता हूँ, आई डी एल डिवाइड बाई आर, है ना, आई डी एल डिवाइड बाई आर। नाउ दिस डी एल, क्या है मेरा जेड डायरेक्शन में, क्योंकि मैं ए जेड ले रहा हूँ, है ना, जेड डायरेक्शन में मेरा डाइपोल रखा है, तो मैं इस डी एल को डी एल ना लेकर के क्या लिख सकता हूँ, डी जेड लिख सकता हूँ, क्योंकि डी एल और डी जेड दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। और आई, की वैल्यू मैं अभी वही लगा दूंगा जो मैंने अभी यूज़ करी थी, रिटार्डेड करंट, रिटार्डेड पोटेंशियल वाला, रिटार्डेड इफेक्ट की वजह से जो करंट आई थी, और फिर उस इक्वेशन को, उस इक्वेशन के वेक्टर पोटेंशियल को मैं आगे फर्दर कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करूंगा। तो ए जेड मेरा ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू देखूँ तो आई क्या था मेरा, आई की वैल्यू थी आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। तो ये मैं इस जगह पर रिप्लेस कर दूंगा, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए जेड जिसमें कि मैंने म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, तो मैंने बाहर कॉन्स्टेंट रख ही रखा है। आई की वैल्यू अगर मैं ये रखूंगा तो आई नॉट की वैल्यू भी मैं कॉन्स्टेंट है, तो बाहर इसको निकाल लूंगा, है ना। नाउ सिंस आई एम इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, है ना, जेड के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी में कोई भी जेड का फंक्शन नहीं है। तो जब जेड का फंक्शन नहीं है तो आई कैन टेक इट आउटसाइड फ्रॉम दिस। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी को बाहर ले सकता हूँ, और अब मैं अगर डी जेड को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम माइनस डी बाई टू टू डी बाई टू, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी बाई टू माइनस डी बाई टू मतलब डी बाई टू माइनस ऑफ माइनस डी बाई टू, यानी ये हो जाएगा पूरा का पूरा डी। तो इस एक्सप्रेशन में मैं ए जेड की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं हम म्यू नॉट इंटू आई नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, दिस इज बेसिकली डी, क्योंकि डी इसका वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद, और ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, ये मेरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा जेड डायरेक्शन में इस डाइपोल की वजह से। तो इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ तो मेरा स्केलर पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल वी कितना होगा, तो अगर मैं वी की वैल्यू देखूँ तो वी कितना होता है, जो मेरा स्केलर पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और ये होता है क्यू वन डिवाइड बाई आर वन माइनस क्यू टू डिवाइड बाई आर टू, है ना, दो अगर पोटेंशियल है। तब क्यू वन और क्यू टू मुझे नहीं पता, क्यू मुझे नहीं पता, तो अगर मैं क्यू
देखूं तो आई इक्वल्स टू कितना होता है, आई होता है मेरा डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से मैं अपने क्यू की वैल्यू को कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्यू इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सिमिलरली अगर मुझे क्यू वन निकालना है तो क्यू वन मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई वन डी टी, और क्यू टू मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई टू डी टी। ठीक है, नाउ आई वन डी टी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आई नॉट ई टू द पावर जे जे ओमेगा टी माइनस पहला वाला पॉइंट जिसकी डिस्टेंस है आर वन, ठीक है, डी टी। और आई टू कितना होगा, इंटीग्रेशन आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर टू बाई वी, क्योंकि पॉइंट चार्ज टू है, तो उस पॉइंट चार्ज टू मतलब पॉइंट टू जो नीचे वाला पॉइंट है, और उसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और अगर मैं इसको देखूं तो इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ई की पावर जे ओमेगा, आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, ई की पावर जे ओमेगा टी, है ना, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस एक्स है फॉर एग्जाम्पल, और उसको मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ई की पावर जे ओमेगा टी डिवाइड बाई जे ओमेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। और बाकी ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा जीरो, तो अल्टीमेटली इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर जे ओमेगा सेम टी माइनस आर वन बाई वी डिवाइड बाई जे ओमेगा, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ आई वन, तो ये हो जाएगा आई वन डिवाइड बाई जे ओमेगा। सिमिलरली इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर टू बाई वी डिवाइड बाई जे ओमेगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम आई टू डिवाइड बाई जे ओमेगा। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग मैं पोटेंशियल को निकालने के लिए यहाँ पर अगर मैं इन क्यू वन और क्यू टू का इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं अपने इक्वेशन में क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल होगा जो कि रिटार्डेड पोटेंशियल बोला जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इन क्यू वन और क्यू टू को अपनी इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं, क्यू वन और क्यू टू, तो ऑटोमेटिकली मैं ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकता हूँ। तो आप देखो वी इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और जे ओमेगा दोनों में है तो मैं जे ओमेगा भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना। क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा आई नॉट इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वन बाई वी डिवाइड बाई आर वन माइनस क्यू टू, यानी आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर टू बाई वी डिवाइड बाई आर टू, ये मेरा बचेगा ये, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ई टू द पावर टी माइनस आर वन बाई वी रख दूँ, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सिंपल हम इस वैल्यू को आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए इस जगह पे e की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वन बाई वी, तो आर वन की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी आर माइनस डी कॉस थीटा, डी बाई टू कॉस थीटा, है ना, और आर टू की वैल्यू निकाली थी मैंने आर 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 प्लस डी कॉस थीटा, क्योंकि आर वन और आर में रिलेशन है, तो मैं उस रिलेशन को इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें कॉमन थी, आई नॉट कॉमन था, डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जे ओमेगा भी कॉमन था, उसके अलावा मैं ई की पावर जे ओमेगा टी भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो जब ई की पावर जे ओमेगा टी मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा, यहाँ बचा ई की पावर माइनस कितना, जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी था, तो ई की पावर जे ओमेगा तो आएगा ही, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा और आर वन बाई वी, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई आर वन माइनस ई की पावर, अब यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर टू बाई वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आर वन और आर टू की वैल्यू लगा सकता हूँ, आर वन क्या था मेरा, आर वन था आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, और आर टू कितना था, आर टू था आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज मैं करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर लगा सकता हूँ, आर टू रह गया यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आर वन और यहाँ पे आर वन,
और यहाँ पे आर टू और यहाँ पे आर टू, इन सब जगह मैं अपनी वैल्यूज लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा, तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं केवल इसको लिख लेता हूँ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, ये हो जाएगा आर वन, आर वन मतलब आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, तो आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हो जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, ये वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी। और यहां पर क्या था, यहां पर था आर वन इक्वल्स टू आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, और इस वाले में क्या था आर टू, तो यहां पर हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या बचेगा, यहाँ पर कांस्टेंट ये वाली टर्म एज इट इज है, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस वाली टर्म में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा की, तो ये हो जाएगा आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद दिस, अभी सॉल्व करेंगे इसको, माइनस आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद ये जो भी वाला फंक्शन है वो। ठीक है, और इस पूरे की मल्टीप्लाई हमारी किसके साथ हो रही है, ऑलरेडी ये जो कॉन्स्टेंट चल रहा था साथ में इससे हो रही है। अब आप जरा मुझे बताओ आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो आप ध्यान से, जो यहाँ पे v रह गया, यहाँ r बाई v था, यहाँ पे v रह गया इन दोनों ही साइड में, तो हम क्या करेंगे e की पावर माइनस जे ओमेगा r बाई v है ना, इंटू ई टू द पावर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है ना, तो ये हो जाएगा e की पावर जे ओमेगा इंटू डी बाई टू वी कॉस थीटा है ना, ओमेगा डी कॉस थीटा अपॉन 2 वी, ऐसे ही यहां पर कर देंगे, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी तो यहां भी आएगा मल्टीप्लाई विद, मैंने दोनों ई की पावर जे ओमेगा, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए मैंने, यहाँ माइनस था इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया, क्यों, क्योंकि ये पूरी टर्म ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी मैं बाहर ले सकता हूँ कॉन्स्टेंट, दोनों में कॉमन है इसलिए। ठीक है, ये क्या बचेगा, माइनस का e की पावर माइनस जे ओमेगा, तो e की पावर माइनस जे ओमेगा इंटू डी बाई टू कॉस थीटा डिवाइड बाई वी, तो e की पावर जे माइनस जे ओमेगा डी कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 वी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, e की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी और e की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी मेरा कॉन्स्टेंट हो जाए, कॉमन है, और इन दोनों को मैं क्या करूँगा बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये मैं इस कॉन्स्टेंट जो ऊपर से चल रहा था उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर, सबसे पहले तो चल क्या रहा था हमारा, आई नॉट चल रहा था है ना, ई की पावर जे ओमेगा टी चल रहा था, डिवाइड बाई क्या चल रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जे ओमेगा चल रहा था है ना। अब मैंने ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी यानी आर अपॉन वी ये मैंने बाहर निकाल लिया है, अब मेरे पास अंदर क्या बचा है ना, अंदर एक तो आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म तो एज इट इज थी ही, ये चली रही थी, एलसीएम लिया था हमने है ना, और अब जो अंदर जो चीज बचेगी उसको हम लिख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा लिख लेते हैं हम इस चीज को, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करी थी मैंने किसकी, ई की पावर क्या बच रहा था मेरा, यहाँ आ रहा था प्लस जे ओमेगा डी बाई टू वी है ना कॉस थीटा, ये बच रहा था, माइनस यहाँ आ रहा था आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, और साथ में बच रहा था ई की पावर माइनस का जे ओमेगा डी कॉस थीटा अपॉन 2 वी। ठीक है, ये मेरे को टर्म बच रही थी, अब मैं क्या करूंगा, ई की पावर जे एक्स वो हमें पता है कितना होता है कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। ठीक है, तो अब मैं इस टर्म को और इस टर्म को एक्सपेंड कर दूंगा यूजिंग कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स, ई की पावर जे एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस
जे साइन एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों ही टर्म्स को, e की पावर जे वाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को एक्सपेंड कर दूंगा कुछ कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स से। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे ये जो जो भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को मान लेता हूँ क्या, ओमेगा डी कॉस थीटा अपॉन 2v, है ना। तो बार बार मेरे को इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे सीधे मैं इस एक्सप्रेशन को e की पावर जे एक्स को कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स में ही रिप्रेजेंट कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टार्टिंग में है, ये जो मेरा वी था, ये वी मैं सेम एज इट इज चल रहा है, वो कांस्टेंट, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। चलो इसको भी ए मान लेते हैं, ए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ए एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए इक्वल्स टू दिस पूरा का पूरा ये वाला टर्म, आई नॉट ई टू पावर जे ओमेगा टी इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट जे ओमेगा, है ना। तो इसको मैंने ए मान लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। और अब आपको एक लगाना है ये कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 2 cos थीटा। देखो आर मेरी बहुत डिस्टेंट पॉइंट है ना, और डी मेरा वो छोटा सा डाइपोल की लेंथ है। तो अगर डाइपोल की लेंथ काफ़ी छोटी है तो डाइपोल की लेंथ का आधा और काफ़ी छोटा होगा और उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, अगर मेरा डी इज स्मॉल, डी मेरा अगर छोटा है तो डी बाई 2 इज वेरी स्मॉल एंड डी बाई 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, ऑब्वियसली लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो ये भी मेरा स्मॉल होगा। और अगर मैं उसका स्मॉल स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, है ना। मतलब दिस कैन बी निगलेक्टेड, दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी निगलेक्टेड। तो इस चीज को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में से मैं इस पोर्शन को लूँ ही ना, क्योंकि ये आर स्क्वायर, आर मेरी बहुत ज़्यादा है, एज आर इज वेरी लार्ज, वेरी हाई, वेरी लार्ज, है ना। आर डिस्टेंस जो है वो मेरी ज़्यादा है, तो आर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, है ना। तो हम इस डी बाई 2 cos थीटा के स्क्वायर को एज कम्पेयर टू आर निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को आगे यूज ही ना करें, ठीक है। तो क्या बचेगा, अब बचेगा मेरा देख लेते हैं क्या बच रहा है। एक बचेगा कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स, है ना, मल्टीप्लाई विद कितना, आर प्लस डी बाई 2 cos थीटा माइनस कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस जे एक्स कितना होता है, कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, इंटू आर माइनस डी बाई 2 cos थीटा। ये टर्म मेरा बच जाएगा और नीचे बचेगा कितना, डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम जो एक्स हमने माना था, एक्स कितना माना था, एक्स माना था हमने ओमेगा डी कॉस थीटा बाय 2v। इसको चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू मेरी डिपेंडिंग ऑन डी कितनी होगी, है ना। अभी मुझे पता है कि मैं जो भी स्मॉल डाइपोल ले रहा हूँ, स्मॉल शॉर्ट डाइपोल ले रहा हूँ, शॉर्ट डाइपोल का सीधा सीधा मतलब है कि वो डाइपोल एज कम्पेयर टू दी ऑपरेटिंग वेवलेंथ, जो भी फ्रीक्वेंसी की करंट मैं उसके अंदर एज एन इनपुट दूंगा, वो मेरी कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी होनी, मतलब काफ़ी बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस। तो लैम्डा मेरा वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू डी, ये मेरा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की सबसे इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट द ऑपरेटिंग वेवलेंथ इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करूँ तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 2 πf, है ना, इंटू डी कॉस थीटा एज इट इज डिवाइड बाई 2 इंटू वी। नाउ अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ तो एफ अपॉन वी को लिख सकते हैं हम, ये वी बाई एफ को लिख सकते हैं लेमडा, दैट मीन्स दिस विल बिकम पाई डी कॉस थीटा अपॉन लेमडा। नाउ दिस डी बाई लेमडा, आप देखो लेमडा इज वेरी वेरी लार्ज, दैट मीन्स लेमडा ओवर डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और इनवर्सली यू कैन से दैट डी बाई लेमडा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, ये दोनों। अब अगर मैं इसको देखूं, अगर ये क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी है तो पाई यानी 3.14 इंटू कॉस थीटा, जो कि 0 से 1 के बीच में होगा, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर भी लूंगा इससे, तो ऑलरेडी ये वाली वैल्यू कुल मिला करके लेस देन 1 ही होगी, मतलब ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। अगर मेरा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, दैट मीन्स एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1,
दैट मीन्स कैन वी से कि मेरा कॉस एक्स जो होगा यानी कॉस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ये, दैट मीन्स दिस इज अज्यूम टू बी वन, दिस इज अप्रोचिंग वन यू कैन से, एंड साइन एक्स क्या बोल देंगे हम, दिस इज अप्रोचिंग जीरो, बिकॉज द कंडीशन इज वी आर टॉकिंग फॉर दी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है वो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं कितना, सीधे सीधे वन, है ना, सॉरी जे एक्स, क्योंकि कॉस एक्स मतलब मेरा हो जाएगा कॉस की वैल्यू वन, तो वन प्लस जे एक्स, है ना, जे एक्स। और यहाँ पर मैंने एक चीज गलती कर दी, साइन एक्स अगर एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय एक्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कॉस एक्स प्लस जे या माइनस प्लस माइनस जे साइन एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, अब इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करने के बाद ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, दिस विल बिकम कॉस एक्स यानी वन प्लस माइनस जे इंटू साइन, हटा दो यहाँ बचेगा एक्स, है ना, इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो अब मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बचेगा, वी, आगे जो मेरा ए कॉन्स्टेंट था वो तो चल ही रहा था, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर चल ही रहा था डिनोमिनेटर में, उसको एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या चीज बच रही थी, यहाँ पर आ रहा था कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स मतलब वन प्लस जे एक्स, ठीक है, और माइनस के साथ यहाँ हो जाएगा वन माइनस जे एक्स, और आगे जो भी चीज थी वो एज इट इज आ जाएगी, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा यहाँ पे चल रहा था और दूसरे वाले केस में ब्रैकेट में चल रहा था आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, उसको हम एज इट इज यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन इसको देखेंगे कि कैसे इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरे टर्म को एक्सपेंड कर दूंगा, वन प्लस जे एक्स, वन प्लस जे एक्स मल्टीप्लाई विद कितना, आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा, चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है अगले वाले ब्रैकेट में वन माइनस जे एक्स, है ना, और आगे भी आर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा है, तो देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाए, है ना। मैं इस ए जो कांस्टेंट चल रहा था और अपॉन आर स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, ये मेरा वी की वैल्यू हो गई, दिस ए इज बेसिकली समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड फ्यू सेकेंड्स बैक, राइट। तो हम इसको एक्सपेंड कर लें, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करो, तो सबसे पहले ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा आर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा जे एक्स आर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा डी बाई टू कॉस थीटा, और दूसरे वाले टर्म की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा प्लस का जे एक्स डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट एक्सपेंड कर लिया मैंने। अब माइनस का बाहर ले लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा आर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा माइनस का जे एक्स आर, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस का डी बाई टू कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम जे एक्स डी बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों के दोनों टर्म्स हो जाएंगे। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ ये माइनस है, तो इस वाले आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये प्लस जे एक्स आर है, ये माइनस टाइम्स माइनस जे एक्स आर है, मतलब ये टर्म कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, ये वाले दोनों टर्म कैंसिल नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पर डी बाई टू कॉस थीटा है, यहाँ पर माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, है ना, और तीसरी वाली टर्म आप देखो, यहाँ पर प्लस जे एक्स डी बाई टू कॉस थीटा है और यहाँ पे प्लस जे एक्स डी बाई टू कॉस थीटा है, बीच में नेगेटिव साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये बचेगा ये आगे तो सेम था ही, मैंने इसको दोबारा लिख लिया ए अपॉन आर स्क्वायर, ए मेरा वो प्रीवियस वेरिएबल है जो मैंने अभी बनाया था, और क्या हो जाएगा आगे, ये बचेगा मेरा टू जे एक्स आर प्लस डी बाई टू कॉस थीटा प्लस डी बाई टू कॉस थीटा मतलब डी कॉस थीटा, ये दो टर्म मेरी बचेगी, ये मेरा हो जाएगा वी, ठीक है। अब इस वी के अंदर हम बाकी जो ए की वैल्यूज थी वो रख देंगे, एक्स की वैल्यूज रख देंगे, तो ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा।
तो ए मेरा कितना था, ए था मेरा आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी डिवाइड बाई कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जे ओमेगा, और साथ में मैंने आर स्क्वायर जो कॉमन लिया था एलसीएम वाला वो भी इसके साथ ही इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। और मेरा एक्स कितना था, एक्स था मेरा ओमेगा डी कॉस थीटा अपॉन आर सॉरी 2 वी, ठीक है। ये वैल्यूज मैं अपने उस एक्सप्रेशन के अंदर रख दूंगा। तो वी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिराइव करा, वी डिराइव करा था मेरा ए और जो भी था डिवाइड बाई सॉरी मल्टीप्लाई विद कितना जे ओमेगा एक्स इंटू 2 है ना, ये सेम टर्म 2 बार थी प्लस डी बाई 2 cos थीटा भी 2 बार था, तो वो हो जाएगा d cos थीटा। अब इसके अंदर मैं ये दोनों चीज़ें रख लूँगा, तो मैं ए की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू ई की पावर। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं हम आई नॉट कॉन्स्टेंट ई की पावर जे ओमेगा कॉन्स्टेंट टी माइनस आर बाई वी, ठीक है। और ये क्या चीज़ हो जाएगी, दिस विल बी आई, है ना। तो ये मेरा आई, तो सिंपल इतने बड़े टर्म को ना लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे आई लिख दूंगा। तो ऐसे ही यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इस जगह लिख दिया आई डिवाइड बाई, ठीक है, 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है, इंटू जे ओमेगा और आर स्क्वायर। ये एज इट इज मैंने यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन एज इट इज रख दिया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू जे ओमेगा, तो एज इट इज आएगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डी कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 वी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे डी कॉस थीटा एज इट इज रहेगा ही, है ना। ये मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों में ही आप देखोगे तो डी कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले तो आई इसको एज इट इज ऐसी रहने दो, है ना, अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट जे ओमेगा आर स्क्वायर, इसको भी ऐसी रहने दो, है ना। और दोनों में ही मेरा डी कॉस थीटा कॉमन था, तो मैं डी कॉस थीटा को बाहर ले सकता हूँ, ओमेगा डी कॉस थीटा अपॉन 2 वी आ रहा था और वहां पर आ रहा था डी कॉस थीटा ऑलरेडी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा जे ओमेगा आर बाई वी, है ना, जे ओमेगा आर बाई वी, और यहाँ बचेगा डी कॉस थीटा का पूरा पूरा बाहर आ गया, तो ये बचेगा 1, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तो एज इट इज रहेगा आई टी कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पर ये वाला ओमेगा अगर मैं अंदर ले जाऊं तो शायद ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इस ओमेगा को अंदर ले जाऊंगा, ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दूंगा, और एक आर को भी मैं अंदर ले इस आर स्क्वायर को भी मैं अंदर ले जाऊंगा ताकि ये आर का फंक्शन पूरा सेपरेट ही हो जाए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखोगे, बाकी तीनों चीजें अंदर ले जाओगे आप, तो क्या बचेगा, जे ओमेगा आर बाई वी डिवाइड बाई जे ओमेगा आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा आर स्क्वायर। अब आप देखो जे ओमेगा से यहाँ तो जे ओमेगा कैंसिल हो गया और एक आर से एक पावर कैंसिल हो गई, है ना, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो एज इट इज वी कैन राइट इट एज आई डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विथ कितना, यहाँ बचेगा 1 ओवर RV, है ना, प्लस का यहाँ बचेगा 1 बाई जे, आप एज इट इज ले सकते हो, और यहाँ बचेगा 1 बाई ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया V, ये मेरा V की वैल्यू हो गई। अब मैं चाहूँ तो देखो यहाँ पर मैं RV ले रहा हूँ और यहाँ पर ओमेगा भी ले रहा हूँ, तो मैं कोई एक चीज़ कॉमन कर सकता हूँ, अगर मैं V बाहर ले लूँ, अगर मैं V बाहर ले लूँ, है ना, अगर मैं वेलोसिटी बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, मैंने वेलोसिटी बाहर लिया तो ऑब्वियसली इसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें है तो है नहीं, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जब डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यूजुअली क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आई डी कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू वी, चूंकि मैंने डिनोमिनेटर से बाहर लिया है, दिस विल बी 1 ओवर R प्लस दिस विल बिकम 1 बाई जे इंटू
ये ओमेगा आर स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वी ऊपर पहुंच जाएगा, तो दिस विल बिकम वी बाय ओमेगा इनटू वन अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी दी फील्ड, द पोटेंशियल फील्ड यूजली, ठीक है, द पोटेंशियल फील्ड वी कैन से दैट दिस विल बिकम आई डी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी टाइम्स 1 ओवर आर प्लस 1 बाई जी ओमेगा इंटू वी बाई ओमेगा इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मुझे वी पता है तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो वन बाय वन करके इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे पास, मुझे ई कैलकुलेट करना है, तो ई का जो एक्सप्रेशन होता है वो स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को इंक्लूड करने के बाद क्या बनता है। दिस विल बिकम ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी माइनस का डेल ए ओवर डेल टी, ठीक है। अगर मैं स्केलर वेक्टर स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल को इंक्लूड कर लूँ तो ये मेरी इक्वेशन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रेडियंट को देखूँ तो ग्रेडियंट क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कितना होता है, माइनस, तो एज इट इज बाहर ले लो, है ना। दिस इज डेल वी बाई डेल आर ए आर कैप प्लस 1 ओवर आर डेल वी बाई डेल थीटा ए थीटा कैप, सॉरी ए थीटा कैप प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल फाई ए फाई कैप, है ना। और मेरा ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस का डेल ओवर डेल टी, और ए वेक्टर क्या होगा, वो होगा ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम इस लेक्चर में शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आइडेंटिफाई करा था, है ना। क्यों करा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना है, लेकिन वो था ए और ए का जेड कॉम्पोनेंट, ठीक है ना, ए जेड कॉम्पोनेंट था, यानी वी कैन राइट इट एज ए वैक्टर इक्वल्स टू ए जेड क्या। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना है, मुझे उसका आर कॉम्पोनेंट, थीटा कॉम्पोनेंट और फाई कॉम्पोनेंट। तो फाई कॉम्पोनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए फाई आता है और स्फेरिकल में भी आता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरी बात, हम इसको वैसे भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वी और ए दोनों में से कोई भी फाई का फंक्शन नहीं है, तो ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल भी फाई का फंक्शन नहीं है। तो मुझे अल्टीमेटली ये चीज और ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा अल्टीमेटली, अगर मैं इसको बोलूं ए आर कैप है तो ये ए आर कैप वाला कॉम्पोनेंट है और ये ए थीटा कैप वाला कॉम्पोनेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए आर कैप और ए थीटा कैप वाले कॉम्पोनेंट्स हैं। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ एल एच एस में क्या था, ई। तो अगर ई वेक्टर को मैं दो कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर लूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। एक तो आएगा ई आर, जो क्या होगा, माइनस का डेल वी ओवर डेल आर ए आर कैप होगा माइनस का डेल ए आर ओवर डेल टी ए आर कैप होगा, है ना। और सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ई थीटा, जो हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू 1 अपॉन आर, बाहर था ही 1 अपॉन आर, माइनस बाहर लगा दो, ठीक है, ए थीटा कैप माइनस का डेल ए थीटा बाय डेल टी ए थीटा कैप। तो अल्टीमेटली मुझे ये दो इक्वेशंस सॉल्व करनी है, मुझे इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू को निकाल करके इस इक्वेशन के अंदर, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट कर देना है। तो अल्टीमेटली मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, ई आर और ई थीटा की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन ई आर और ई थीटा में ये तो मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा, ये वाला पार्ट एल एच एस इन दोनों का ही, है ना, फर्स्ट पार्ट एल एच एस नहीं फर्स्ट पार्ट। लेकिन सेकेंड पार्ट में मुझे ए आर नहीं पता, तो सबसे पहले मुझे ए जेड से ए आर को आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के जेड डायरेक्शन वाले को मैग्नीट्यूड से सबसे पहले मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, ए आर, और फिर उस ए आर की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। और उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा यहां से ए थीटा, और फिर उस पूरी वैल्यू को मैं यहां पर रख दूंगा तो मुझे ये दूसरी इक्वेशंस मिल जाएंगी। ये दोनों इक्वेशंस मुझे मिल जाएंगी, तो अल्टीमेटली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आर और थीटा वाले कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई कर लूंगा।
सबसे पहले ई आर का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो था माइनस का डेल वी बाई डेल आर ए आर कैप, है ना, और साथ में दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, कितना था, माइनस का डेल ए आर बाई डेल थी डेल टी ए आर कैप। तो अभी मैं इस पार्ट को सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं केवल और केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसको बोल दो। तो फर्स्ट पार्ट ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या था, माइनस का डेल वी बाई डेल आर ए आर कैप को मुझे अल्टीमेटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ए आर कैप को भी छोड़ दो, केवल मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे हम, डेल माइनस का डेल बाई डेल आर, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वी की वैल्यू लगा देंगे। वी कितना था मेरा, वी था मेरा वही बड़ा वाला वैल्यू, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये भी आर का फंक्शन है अल्टीमेटली, है ना। यहाँ पे भी आप देखो, आई आई कॉन्स्टेंट नहीं है, आई आर के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं इसको भी एक्सपेंड करके लिखूंगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू वी, और साथ में मेरे पास वैल्यू थी 1 अपॉन आर प्लस का वी डिवाइड बाई, एक था जे एक था ओमेगा और आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को मुझे अल्टीमेटली सॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट है, अच्छा डी कॉस थीटा तो रह गया, डी कॉस थीटा भी था यहाँ पे, तो डी कॉस थीटा, तो अब देखो आई नॉट कॉन्स्टेंट है, डी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है, इसको तो आप ले लो बाहर, डिवाइड बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू वी, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, है ना। और ई की पावर, सो ई टू द पावर, हाँ इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी आर है और दो जगह, तो अगर मैं इसको इसको एक फंक्शन मान लूँ और इसको दूसरा फंक्शन मान लूँ, इस वाले क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिकली मैं इंटी डिफ्रेंसिएशन बाई पार्ट्स वाला प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, इसको मैं कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का 1 ओवर आर स्क्वायर और माइनस का वी ओवर जे ओमेगा, आर पावर -2 है तो -2 टाइम्स ई पावर माइनस सॉरी आर पावर -3 आएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस सेकेंड पार्ट का, ठीक है, माइनस मैं बाहर ही लेकर के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस सेकंड पार्ट वाले में ये चीज़ कॉन्स्टेंट हो जाएगी, इसको भी आप कॉमन ले सकते हो बिकॉज इट इज़ कॉमन टू ऑल, ठीक है ना। सेकंड वाले पार्ट में क्या, 1 ओवर आर प्लस वी डिवाइड बाई जे ओमेगा आर स्क्वायर, ये आपने कॉमन ले लिया, और ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी का डिफरेंशिएशन कर लिया, तो कितना आएगा, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी इंटू जे ओमेगा, और चूंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आएगा माइनस का इंटू माइनस का 1 बाय वी, है ना, ये मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई, हो सकता है कुछ टर्म मेरी कैंसिल आउट हो और हो सकता है कुछ मेरे को सिंप्लीफिकेशन मिल पाए, मैं उस सिंप्लीफाइड अप्रोच को मतलब इसको फॉलो करते करते इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो मैं ई आर इसको बोल दूंगा, ये केवल ई आर का फर्स्ट कॉम्पोनेंट आएगा, है ना। इसी तरीके से मैं उसके बाद ये सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करूंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाय 1, माइनस का आई नॉट डी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, तो कांस्टेंट है, इसको आप एज इट इज रहने दो, है ना, और अब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वाई बाई वी भी आप कॉमन ले सकते हो, तो आपने इसको भी कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में नीचे लिख ले रहा हूँ मैं, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, है ना। अब क्या बचा, अब आपने ये तो कॉमन ले लिया, तो आप अल्टीमेट सीधा सीधा यही बचा, तो यहाँ आ गया 1 ओवर आर स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस,
है ना, ये दोनों माइनस ले लिए मैंने, यहाँ प्लस कर दूंगा मैं, प्लस 2v अपॉन जे ओमेगा आर क्यूब, है ना। एक तो हो गया ये, ठीक है। उसके अलावा चूंकि मैंने माइनस बाहर लिया था, माइनस का ये वाला प्लस कर दिया, तो इस वाले में भी मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर भी मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जे ओमेगा बाई वी प्लस जे ओमेगा बाई वी इंटू वन अपॉन आर प्लस जे ओमेगा बाई वी, इसकी मल्टीप्लाई आपने एक बार इससे कर दी और एक बार आपने इससे कर दी, तो जे ओमेगा बाई वी इंटू वन अपॉन आर ये हो गया, है ना, प्लस जे ओमेगा बाई वी इंटू वी डिवाइड बाई जे ओमेगा आर स्क्वायर, ये आपका दूसरा वो आ जाएगा। अब आप देखो जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल कर सकते हो, वी से वी कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे बस, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ केवल और केवल इसको, तो इसमें मेरे पास वन अपॉन आर स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, और एक वन अपॉन आर स्क्वायर वाली टर्म ये आ रही है ना, ये भी वन अपॉन आर स्क्वायर, टू अपॉन आर स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे वन अपॉन आर वाली टर्म एक ये है, और एक वन अपॉन आर क्यूब वाली टर्म है, मतलब टोटल मेरे पास तीन टर्म्स आ रही हैं, जिसमें एक बार आर की पावर है वन डिवाइड में, एक बार है आर की पावर टू, और एक बार है आर की पावर थ्री। तो ये तीनों सेपरेट अगर हम कर लें, तो हम ई आर का डी वी बाई डी आर वाला कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग डेल ए आर बाई डेल टी आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम अपना ई आर या ई फील्ड का आर कंपोनेंट डिटरमाइन करेंगे। तो अब माइनस का डेल वी बाई डेल आर हम सॉल्व कर रहे थे, और उसकी वैल्यू को हम निकाल चुके थे, आई नॉट डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, है ना। अब मेरे पास जो वैल्यूज थी उसमें एक हो जाएगा जे ओमेगा अपॉन वी इंटू वन अपॉन आर, दूसरी टर्म बची थी टू अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का था ये वाला जाएगा, नहीं प्लस का ही था, तीनों टर्म्स प्लस की थी, हाँ ठीक है ना, और टू अपॉन आर स्क्वायर, और तीसरी टर्म थी टू वी अपॉन जे ओमेगा इंटू वन अपॉन आर क्यूब। ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने वन अपॉन आर वाला ले लिया, एक बार आर स्क्वायर वाला फैक्टर ले लिया, और एक बार आर क्यूब वाला फैक्टर ले लिया, तीनों, क्योंकि इन तीनों फील्ड्स में जो भी कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट्स आर की पावर के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसीलिए मैंने इनके अलावा जो भी कॉन्स्टेंट है उसको मैंने साइड में एज ए अनदर फंक्शन अनदर मल्टीपल वो मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं ए आर वाले कंपोनेंट की, तो हमें दूसरा कंपोनेंट निकालना है माइनस का डेल ए आर ओवर डेल टी। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने जब ए आइडेंटिफाई करा था तो हमने ए जेड की वैल्यू आइडेंटिफाई करी थी, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए जेड की वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई करी थी, ये मैंने ऑलरेडी मुझे पता है ना, ऑलरेडी डिराइव, ये मैं फंक्शन इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली मुझे इस ए जेड से ए आर बनाना है, तो सिंपलिसिटी के लिए मैं इस ए जेड को कार्टीजियन में भी मान सकता हूँ और सिलिंड्रिकल में भी मान सकता हूँ। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ए आर में। अब आप मुझे बताओ, आपने कौन सा कन्वर्जन टेक्निक पढ़ रखी है, आपने पढ़ रखी है कार्टीजियन से सिलिंड्रिकल टेक्निक, स्फेरिकल टेक्निक, तो कार्टीजियन से स्फेरिकल टेक्निक मतलब आपको ए आर निकालना है, और अगर आपको ध्यान हो तो ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, ए आर इक्वल्स टू ए वैक्टर डॉट ए आर, है ना, तो ए वैक्टर डॉट ए आर मतलब उसका ए वैक्टर डॉट ए आर और जेड में, ये तो ए जेड ही है ना केवल, बाकी सब तो जीरो है, तो ए आर डॉट ए जेड, अगर मुझे ये वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो ऑलरेडी मैं ए आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए आर डॉट ए जेड मतलब आपको ए वेक्टर डॉट ए आर निकालना है, और ए वेक्टर क्या है, अगर मैं ए आर आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो या तो आप मैट्रिक्स यूज़ कर लो डायरेक्टली, अदरवाइज चूंकि मुझे बहुत छोटा सा कॉम्पोनेंट है इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आपको मैट्रिक्स याद नहीं रखनी पड़ेगी बार बार, है ना। तो ए वेक्टर डॉट ए आर, और ए वेक्टर क्या है, ए जेड कैप डॉट ए आर कैप,
ठीक है ना, और ए जेड डॉट ए आर यानी जेड और आर के बीच का एंगल है ना, ये अगर पॉइंट है तो ये एंगल, ये वेक्टर था ए आर वाला है ना, ये वेक्टर था ऑब्वियसली ए जेड वाला, तो ये वाला एंगल थीटा, जेड और आर के बीच का एंगल कितना है थीटा, दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज ए जेड इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या आ गया, ए आर की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए जेड, ए जेड मुझे ऑलरेडी पता है ना, ये मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसकी वैल्यू पुट करके सीधे सीधे उसकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए आर मिल जाएगा। और अगर मुझे ए आर मिल गया तो क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डेल ए आर ओवर डेल टी, एब्सोल्युटली। तो बस यही मुझे करना है। तो ए जेड की वैल्यू क्या थी, ए जेड की वैल्यू थी हमारी म्यू आई नॉट डी ओवर 4 पाई आर ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। अब अगर मैं ए जेड की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कर देता हूँ, तो ए जेड इंटू कॉस थीटा वो मेरा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डी कॉस थीटा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ए आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ए आर आपने निकाल लिया, माइनस का डेल ए आर ओवर डेल टी आपको निकालना है, मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको किसका, ए आर का। तो आप मुझे बताओ क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, माइनस का है ना, डेल ओवर सॉरी डेल ओवर डेल टी बाद में लिखेंगे, पहले जो चीज़ टी का फंक्शन नहीं है वो लिख लेते हैं। तो देखो म्यू आई नॉट ओवर 4 पाई आर, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, डी कॉस थीटा भी टाइम का फंक्शन नहीं है, क्या बचा, डेल ओवर डेल टी ऑफ किसका, ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। और फिर आपको क्या कर देना है, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, ये तो सेम रहेगा एज इट इज, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ई की पावर जे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर जे एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये एक्स है मेरा ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस आर वाई वी, तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जे ओमेगा और आ जाएगा टी का 1 और माइनस आर वाई वी का 0, तो जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम। तो यू कैन राइट इट एज इट सिंपली जे ओमेगा ए, ये तो पूरा का पूरा ए आर है, माइनस को छोड़ दो, माइनस नहीं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा ए आर था, तो जी ओमेगा ए आर, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मतलब है, सीधे सीधे आप लिख सकते हो चाहे तो म्यू माइनस भी लगा दो है ना, माइनस का जे ओमेगा ए आर माइनस का, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जे ओमेगा ए आर हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी था ही, माइनस का म्यू आई नॉट डी कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 4 पाई आर इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, और ये मेरा क्या आ गया, माइनस का डेल ए आर ओवर डेल टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में और जो मैंने अभी आपको माइनस डेल वी बाई डेल आर निकाला था, उन दोनों चीजों को आप ऐड कर दोगे, नेगेटिव साइन के साथ मैंने यहाँ वैल्यूज निकाली हैं, तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ आपको अगेन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जो भी चीज बचे उसको आप ई आर बोल दोगे। ठीक है, तो ई आर क्या लिखा था हमने, माइनस का डेल वी बाई डेल आर माइनस का डेल ए बाई डेल टी है ना, और डेल ए बाई डेल टी का कितना आ गया, ये आ गया था जे ओमेगा ए आर है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब सारी वैल्यूज मुझे रख देनी है, डेल वी बाई डेल आर विद नेगेटिव साइन क्या था, आई नॉट डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी है ना, ये तो कॉन्स्टेंट था, और उसके अलावा तीन वैल्यूज थी, एक थी जे ओमेगा बाय वी इंटू 1 अपॉन आर, एक फैक्टर था 1 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक था 1 अपॉन आर क्यूब वाला, वो था 2v/j ओमेगा इंटू 1/r³। इस वैल्यू में मुझे माइनस जे ओमेगा ए आर की वैल्यू और ऐड कर देनी है ना, तो वो कितनी आई थी, वो आई थी माइनस का जे ओमेगा है ना, और ए आर की वैल्यू कितनी आई थी, ए आर की वैल्यू आई थी
आप देख सकते हो ए आर की वैल्यू म्यू आई नॉट डी कॉस थीटा ओवर 4 पाई आर और साथ में ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। ठीक है, अब आप आई नॉट डी कॉस थीटा ये पूरे में है, आई नॉट डी कॉस थीटा यहाँ भी है, 4 पाई इधर भी है, तो आप सीधे सीधे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, आई नॉट डी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई, ये आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, अब देखो ये मैंने एप्सिलॉन नॉट वी कॉमन नहीं लिया है, तो एप्सिलॉन नॉट वी मैं इन इन सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं आर वाली टर्म रहने दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी इंटू वन अपॉन आर प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी आर स्क्वायर प्लस 2 वी अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन नॉट वी इंटू वन अपॉन आर क्यूब और साथ में आएगा ये वाली टर्म, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का जे ओमेगा म्यू अपॉन आर। ठीक है, बाकी सब मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैं इस वाले v से ये वाला v कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बाकी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज ऐसी रहने देते हैं और यहाँ जो कॉमन बचेगा वो क्या आएगा, वो आएगा आप देख सकते हो जे ओमेगा बाय एप्साइलन नॉट वी स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर है ना प्लस 2 डिवाइड बाय एप्साइलन नॉट इंटू वी इंटू आर स्क्वायर है ना प्लस एक बचेगा 2 अपॉन जे ओमेगा एप्साइलन नॉट आर क्यूब और एक बचेगा माइनस का जे ओमेगा म्यू अपॉन आर। हम शुरू से एक गलती करके चल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ फ्री स्पेस की परमिटिविटी तो मुझे यहाँ पर म्यू ना लेकर के म्यू नॉट लेना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्री स्पेस मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो फ्री स्पेस में परमिटिविटी कितनी होती है, सिंपल म्यू नॉट। या फिर अगर आपको किसी जनरल मीडियम के लिए बात करनी है तो आप इन सारे एप्सिलॉन नॉट को या म्यू नॉट को सिंपल एप्सिलॉन और म्यू से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी जनरल मीडियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब तक जो डेरिवेशन करके चला हूँ उनमें मैंने क्या माना है, मैंने अज्यूम करा है कि मैं फ्री स्पेस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम फ्री स्पेस के लिए डिराइव करें, हो सकता है हम किसी और चीज़ के लिए भी डिराइव करें, किसी और मीडियम के लिए भी डिराइव करें, तो ऐसे केस में मैं कुछ भी और ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट ना ले करके एप्सिलॉन ले लूँगा तो सीधे सीधे मैं किसी जनरल मीडियम के लिए बात कर रहा होऊंगा। अब अगर मैं किसी जनरल मीडियम की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा जो वेलोसिटी होती है उस मीडियम में वो कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ न्यू एप्साइलन। ठीक है, ये वेव की वेलोसिटी है जिससे ये वेव वेलोसिटी मूव कर रही है, तो अगर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करूँ तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हो जाएगा एप्साइलन म्यू, तो दिस विल बी 1 अपॉन एप्साइलन वी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आप अपने पुराने एक्सप्रेशन जो हमने ई आर का भी निकाला था उसके अंदर रख सकते हो, तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो मैं लिख दे रहा हूँ जे ओमेगा डिवाइड बाय एप्साइलन आर वी स्क्वायर प्लस 2 बाय एप्साइलन, मैंने एप्साइलन नॉट को एप्साइलन कर दिया है ना ताकि मैं किसी जनरल मीडियम के लिए भी इसको डिराइव कर दूँ, तो कन्फ्यूज मत होना कि अभी पहले तो एप्साइलन नॉट लिया था और अब एप्साइलन कैसे आ गया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एप्साइलन किसी जनरल मीडियम के लिए है, एप्सिलॉन नॉट हम केवल और केवल फ्री स्पेस के लिए निकाल करके चल रहे थे। ये था 2 बाय एप्सिलॉन वी आर स्क्वायर प्लस एक था 2 डिवाइड बाई जे ओमेगा एप्सिलॉन आर क्यूब और एक टर्म थी माइनस का जे ओमेगा म्यू अपॉन आर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो इस म्यू की वैल्यू रख देनी है ये। ठीक है, तो जब मैं इस म्यू की वैल्यू रखूंगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन एप्साइलन वी स्क्वायर, तो ये हटा दो यहाँ से और यहाँ एप्साइलन वी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव है
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज सेम है, यू कैन कैंसिल देम आउट, राइट। तो आपका इससे ये 1/r वाला टर्म कैंसिल हो गया, ऑब्सोल्यूट हो गया, यहाँ से गायब हो गया। अब आपके पास ई आर में केवल दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक 1/r², एक 1/r³। तो मैं ई आर को जनरल करके लिख देता हूँ पूरे और पूरे एक्सपेंशन के साथ, आई नॉट डी कॉस थीटा अपॉन 4π। अब देखो यहाँ भी एप्सिलॉन कॉमन है, यहाँ भी एप्सिलॉन कॉमन है, तो आप एप्सिलॉन कॉमन भी ले सकते हो, तो 4π ε भी मैंने कॉमन ले लिया। e की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, ये भी मैं कॉमन था ही ऑलरेडी। मेरे पास अंदर दो चीज़ें बची, एक 2/v इंटू 1/r² प्लस 2/j ω इंटू 1/r³। और ये मेरा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया ई आर का, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेडियल कॉम्पोनेंट कितना हो गया ई आर। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग थीटा वाला कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, डेल वी बाई डेल थीटा माइनस डेल ए ओवर डेल थीटा, डेल ए ओवर डेल टी। तो डेल वी बाई डेल थीटा होता है माइनस का 1/r डेल वी बाई डेल थीटा और माइनस का डेल ए बाय डेल टी, तो एज इट इज रहेगा ही, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल वी बाई डेल थीटा फर्स्ट पहले ये वाला निकालेंगे, फिर सेकेंड वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो माइनस का 1/r डेल वी बाई डेल थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल वी का पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो माइनस का 1/r एज इट इज इंटू वी क्या था, सबसे पहले मुझे वी देखना पड़ेगा, है ना। तो वी क्या था, वी हम देख लेते हैं, जो हम अभी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ड्राइव भी कर चुके हैं। वी की वैल्यू थी मेरी आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी डिवाइड बाई 4π εv इंटू 1/r प्लस वी अपॉन जे ओमेगा इंटू 1/r², ठीक है। ये मेरे वैल्यू थी और साथ में यहाँ पे डी कॉस थीटा भी आता था, तो डी कॉस थीटा और आप लिख लो, है ना। अब चूंकि मुझे इस पूरे फंक्शन, इस पूरे को डी कॉस थीटा के बाहर आएगा ये, अब मैं इस पूरे फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा बताओ। इस पूरे में सब कुछ कॉन्स्टेंट है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, बट यही केवल थीटा का फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/r पूरा का पूरा ये सेम एज इट इज, है ना। तो ये सेम एज इट इज यहाँ आ जाएगा और उसके बाद डी कॉस थीटा डी भी आएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है माइनस का साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा मतलब ऑलरेडी माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट और यहाँ हो जाएगा डी साइन थीटा। एवरीथिंग एल्स विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम, बट केवल और केवल मेरा ये चेंज हो जाएगा। तो मैं समराइज करके लिख देता हूँ, एक बार लिख ही लेते हैं क्योंकि इस टर्म को हम आगे जब ई थीटा निकालेंगे फाइनल तो यूज कर लेंगे। दिस विल बी 1/r इंटू आई नॉट डी साइन थीटा ओवर 4π εr V, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और चूंकि r भी आप अगर अंदर ही ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि r के प्रोपोर्शन में ही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/r² प्लस ये हो जाएगा v डिवाइड बाई जे ओमेगा इंटू 1/r³, है ना। और ये आप देखो, अगर मैं इस वाले v से ये वाला v काट दूं तो यहाँ पर मुझे एक v ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकता हूँ वी इंटू आर स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपना माइनस का डेल ए ओवर डेल टी भी आइडेंटिफाई कर लूंगा और फिर उन दोनों को कंबाइन करके ई थीटा निकाल लूंगा। माइनस का डेल ए ओवर डेल टी मुझे और निकालना है, है ना, और ये निकालना है थीटा के करेस्पॉन्डिंग, ठीक। अब थीटा के करस्पॉन्डिंग निकालना है तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए ए थीटा, लेकिन ए थीटा तो मुझे पता है नहीं, मुझे क्या पता है, ए जेड पता है। तो क्या मैं ए जेड से ए थीटा निकाल सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। ए जेड डॉट ए थीटा, ए जेड और ए थीटा में कितना एंगल था, आप ध्यान करो, ये पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालता था तो ये ए थीटा हुआ करती थी ए आर पर, है ना। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे, है ना, एक्स वाई प्लेन तक, और अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं
तो ये वाला जो वेक्टर था वो तो था ए जेड, और ये वाला वेक्टर था ए थीटा। अल्टीमेटली मुझे ये दोनों का एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। मुझे ये वाला एंगल पता है थीटा, ये पता है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। और चूंकि ये 90 माइनस थीटा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, है ना, मतलब ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो अल्टीमेटली ये एंगल आएगा 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी अगर मुझे ए थीटा आइडेंटिफाई करना है देन दिस विल बी ए वेक्टर डॉट ए थीटा, दैट मीन्स ए जेड इंटू ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ए जेड इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, मतलब यू कैन सिंपली से दैट इट्स माइनस का ए जेड साइन थीटा, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, और ऑब्वियसली टाइम के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ऑब्वियसली साइन थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा, और टी की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वाई वी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, जे ओमेगा। तो अल्टीमेटली ए थीटा की जो वैल्यू आएगी डेल ए बाई डेल टी विद नेगेटिव साइन, वो कितनी आएगी, माइनस का जे ओमेगा ए थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जे ओमेगा ए जेड साइन थीटा। अब आपको ए जेड की वैल्यू पता है, आप ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो तो आपको सेकंड पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर आप उन दोनों इक्वेशंस को क्लब कर देंगे, हम क्लब कर देंगे और फिर हमें ई थीटा का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो डेल ए थीटा ओवर डेल टी विद अ नेगेटिव साइन, अभी हमने देखा कितना आया था, जे ओमेगा साइन थीटा, है ना, जे ओमेगा साइन थीटा ए जेड, है ना, ए जेड। और इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो यहाँ पर इस पूरे फैक्टर को, क्योंकि ये पूरा एज इट इज सेम था, है ना, थीटा की जगह बस यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम। तो अब मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, और साइन वी वाले में भी साइन थीटा आ रहा है, और इस ए बाई टी वाले में भी, डी ए बाई डी टी वाले में भी साइन थीटा आ रहा है, तो अब साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये चीज़ क्या बचेगी, जे ओमेगा इंटू म्यू अपॉन आर बचेगा। और फिर मैं इस एक्सप्रेशन को जैसे हमने पहले करा था, जे ओमेगा अपॉन आर, और म्यू की वैल्यू क्या रख दी थी मैंने, वन अपॉन एप्साइलन वी स्क्वायर, है ना, ये इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो मैं पूरा एक्सप्रेशन डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं पूरा डिराइव कर देता हूँ। मैंने माइनस का वन अपॉन आर डेल वी बाई डेल आर ऐड करा, और माइनस का डेल ए थीटा ओवर डेल टी ऐड करा, है ना। यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज, मतलब यहाँ ए जेड भी आएगा ऑब्वियसली, तो ए जेड, है ना, ए जेड कॉमन ले लेंगे, तो ए जेड में जो भी पोर्शन है वो कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद ए जेड साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा भी आएगा यहाँ पे, वो पूरा कॉमन आ जाएगा अल्टीमेटली, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो आया था वो क्या आया था, वो आया था आई नॉट डी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, और जो ब्रैकेट में टर्म्स आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 1 ओवर एप्साइलन आर वी आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन जे ओमेगा एप्साइलन आर क्यूब, है ना। और जब मैं इस वाले फैक्टर को सॉल्व करूंगा तो ए जेड साइन थीटा पूरा का पूरा मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी, यहाँ पर जो चीज़ बचेगी वो केवल ये बचेगी, ये एज इट इज मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा अपॉन एप्साइलन वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये तीन टर्म मेरी बचेंगी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर आर क्यूब है, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो सकती, तो मैं इन तीनों टर्म्स को एज इट इज लिख लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ, ये वैल्यू थी मेरी ई थीटा की, और ये हो जाएगा आई नॉट डी साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई,
और e की पावर j ओमेगा t माइनस r बाई v, ये हम ऐसे लिख लेंगे। साथ में अगर मैं देखूं यहाँ पे एप्सिलॉन कॉमन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन कॉमन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन कॉमन है, वी कैन टेक दिस आउट। हमने कॉमन ले लिया, ये बाहर आ जाएगा और अब क्या बचा, दिस विल बी 1 बाय v, नहीं पहले हम ये लिखेंगे है ना, तो j ओमेगा ओवर एप्सिलॉन, नहीं एप्सिलॉन तो हम कॉमन ले चुके हैं, वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन r है ना, प्लस 1 बाय v इंटू 1 ओवर r² प्लस 1 बाय j ओमेगा इंटू 1 अपॉन r³। ये मेरी ई थीटा की वैल्यू हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का थीटा कंपोनेंट। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अपना फाई कंपोनेंट भी डिराइव कर लेंगे, और उस फाई कंपोनेंट को डिराइव करने के बाद हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ई आर, ई थीटा और ई फाई। तो अब बात करते हैं ई फाई कंपोनेंट की। तो ई फाई कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो क्या होगा, अगेन दिस विल बी सेम एज माइनस का 1 ओवर r sin थीटा डेल वी बाई डेल फाई माइनस का डेल ए फाई बाई डेल टी है ना। अब आप देखो चूंकि हम जानते हैं वी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई है ना, वी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई, क्यों, क्योंकि उसमें फाई आ ही नहीं रहा है। जब आ ही नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी जीरो, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट मेरा जीरो हो गया। और ऐसे ही मैं ए को जानता हूं कि ए भी मेरा फंक्शन नहीं है, ए जेड हमने निकाला था और वो थीटा का फंक्शन था है ना। अब देखो आप ध्यान से, अगर ए जेड मुझे पता है ना, ए रो और ए फाई इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट होगा सिलिंड्रिकल का है ना, अगर ए जेड है और ए रो और ए फाई नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें मुझे ए आर निकालना है, ए थीटा निकालना है और ए फाई निकालना है ना। तो ये ए आर और ए थीटा तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, लेकिन ए फाई जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है, जब यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा, सो देर इज नो कॉम्पोनेंट अवेलेबल फॉर ए फाई। और जब ए फाई नहीं होगा तो ऑलरेडी डेल ए फाई बाई डेल टी भी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो ई फाई कॉम्पोनेंट मेरा, मुझे पता है कि ये मेरा जीरो होगा, मतलब मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक ई आर और एक थीटा, ई थीटा, वो दोनों हम निकाल चुके हैं। ई फाई की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वी मेरा फाई का फंक्शन नहीं है और ए फाई मेरा जीरो है, तो अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू फाई और टी रेस्पेक्टिवली, तो वो दोनों ही टर्म्स मेरे को इंडिविजुअली जीरो देंगे, तो अल्टीमेटली मेरे को इस ई फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तीनों कॉम्पोनेंट्स निकाल लिए। अगर हम ई को देखें तो ई क्या हो जाएगा मेरा, ई आर ए आर कैप प्लस ई थीटा ए थीटा कैप, इन दोनों फंक्शंस को जोड़ दो आप, तो आपकी टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डाइपोल एंटेना के अलोंग। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज पता हैं, जैसे कि अगर मैं यूज करूं बी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वो होता है वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल डेल क्रॉस के, उसका कर्ल निकाल लें अगर हम है ना। और बी और म्यू में क्या रिलेशन, बी और एच में क्या रिलेशन है, दैट बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, तो अगर मुझे बी पता है तो ऑलरेडी मैं म्यू से मल्टीप्लाई करके एच निकाल सकता हूँ, सॉरी म्यू से डिवाइड करके एच निकाल सकता हूँ। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी मेरी बी डिवाइड बाई म्यू, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू अभी मैंने इस वाले एक्सप्रेशन से ये रख दी, दिस विल बी डेल क्रॉस ए। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अगर मुझे एच कॉम्पोनेंट निकालना है डेल क्रॉस ए, सॉरी डेल क्रॉस ए को डिवाइड कर दिया म्यू के साथ, तो आपको बी एच मिल जाएगा है ना, आपको ये अल्टीमेटली सॉल्व करना है ठीक है। और मुझे पता है कर्ल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूँ है ना, 1 ओवर r² sin थीटा, इससे हम डिवाइड करते हैं और सिंपल मैट्रिक्स मेथड से वी कैन इजीली सॉल्व दैट। तीन वेक्टर कंपोनेंट्स हैं ए आर, ए थीटा और ए फाई, तो हमने 1 बाय 1 लिख लिया ए आर, ए थीटा और ए फाई है ना। डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है, आर डी थीटा, तो थीटा वाले में आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिफरेंशियल लेंथ फाई क्या लंग होती है, आर साइन थीटा, तो यहाँ पर आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा और डेल बाई डेल फाई है ना, ये ऑलरेडी मैं आपको
जब मैंने कर्ल बताया था तो उसके सारे एक्सप्रेशंस बता चुका हूँ, बट जस्ट रिकॉल हम इसमें यहाँ कर रहे हैं, है ना। ए के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, एक ए आर, एक ए थीटा और एक ए फाई, और जैसे हमने यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करी वैसे ही इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे आर की, और यहाँ पर मैंने आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी हम इसके मैग्नीट्यूड से आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल मुझे अल्टीमेटली ये चीज़ सॉल्व करनी है, और चूंकि ये तो हुआ डेल क्रॉस ए, मैंने एच निकालना है, मतलब मुझे म्यू से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो म्यू से और डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हो कि ए आर कॉम्पोनेंट आपको पता है, ए थीटा कॉम्पोनेंट आपको पता है, ए फाई कॉम्पोनेंट आपको नहीं पता, आपको पता है लेकिन ये कितनी है, ये जीरो है, ठीक है। तो अगर आपने इस चीज को कर दिया जीरो, ठीक है, ए फाई वाले कॉम्पोनेंट को कर दिया जीरो, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर ए आर वाला कॉम्पोनेंट देखूँ, तो ए आर वाला कॉम्पोनेंट अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, डेल बाई डेल थीटा ऑफ जीरो दैट मीन जीरो, माइनस डेल बाई डेल फाई ऑफ आर ए थीटा। अब डेल बाई डेल फाई ऑफ आर ए थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, जीरो माइनस डेल बाई डेल फाई ऑफ आर ए थीटा, ठीक है। सिमिलरली माइनस आर ए थीटा कैप, अगर हम देखें, केवल मैं मैट्रिक्स को खोल रहा हूँ, बाकी जो कॉन्स्टेंट चीज बाहर चल रही है उसको ऐसे ही बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस आर ए थीटा ये हो गया। अब अगर मैं इसको देखूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, दैट मीन्स डेल बाई डेल आर ऑफ जीरो, यानी ये जीरो आ जाएगा, और दूसरा वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, माइनस का डेल बाई डेल फाई ऑफ ए आर, अगेन डेल बाई डेल फाई ऑफ ए आर। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो, तो चूंकि ए थीटा और आर इन दोनों में से कोई भी फाई का फंक्शन नहीं है, सो दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम जीरो, ठीक है। तो ए आर का कोई कॉम्पोनेंट नहीं रहेगा इसके अंदर, और अगर मैं जीरो की मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टर के साथ करूंगा तो भी ये जीरो ही रहेगा। सो अल्टीमेटली ई सॉरी एच आर विल बी जीरो, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ एच आर वाला कॉम्पोनेंट, ये आ जाएगा एच आर ए आर, एच आर की वैल्यू ए आर हटा देंगे तो एच आर की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे, ये मैग्नीट्यूड दैट इज जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एच थीटा निकालना है, तो एच थीटा निकालने के लिए हमने ए थीटा वाला कॉम्पोनेंट ले लिया, है ना। और आप देखो ए आर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी सो दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है केवल और केवल क्या, अब मुझे निकालना है एच फाई, है ना। तो एच फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इस वाले कॉम्पोनेंट को लेंगे तीसरे वाले के लिए। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, आर साइन थीटा ए फाई कैप, है ना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट इस वाले की मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले के साथ, और फिर इस वाले की मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ ए आर, है ना। ये अल्टीमेटली मुझे निकालना है, और एच फाई निकालने के लिए मुझे इससे और डिवाइड ही करना पड़ेगा, इससे डिवाइड भी करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे मतलब डिवाइड बाई म्यू आर स्क्वायर साइन थीटा लिख लेंगे, और ए फाई हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ एच फाई लिख लिया है, ए फाई वेक्टर वाला कॉम्पोनेंट ये आ जाएगा, है ना। तो ये हटा देंगे, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली ये चीज़ क्या बची, वन डिवाइड बाई म्यू आर इन टू दिस, है ना। तो अल्टीमेटली मुझे इसको सॉल्व करना है, किसको, वन अपॉन म्यू आर इंटू डेल ओवर डेल आर ऑफ आर ए थीटा माइनस डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए आर, है ना। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच फाई की वैल्यू हो जाएगी। एच आर और एच थीटा तो जीरो हैं ही, तो ऑलरेडी ये दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट जीरो हैं, तो अल्टीमेटली मैं इससे एच फाई या एच निकाल सकता हूँ। अब दो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो वन बाय वन दोनों कॉम्पोनेंट सॉल्व कर लेते हैं। पहला कॉम्पोनेंट क्या था, पहला कॉम्पोनेंट था डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और फिर माइनस का डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए आर सॉल्व कर लेंगे, और फिर उन दोनों को इस इक्वेशन एच फाई वाली इक्वेशन में रख देंगे, और फिर उसको एच फाई की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा निकालते हैं। हमें ए थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हम पहले इसको ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो वो वैल्यू हमने सेम एज इट इज यहाँ पर रख दी, डेल ओवर डेल आर आर मल्टीप्लाई विद कितना, म्यू आई नॉट डी साइन थीटा
डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी भी आर का फंक्शन है। इस वाले आर से देखो, ये वाला आर कैंसिल आउट हो गया है ना, और बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं अदर देन ई टू द पावर, वो सारे कंपोनेंट्स आर के फंक्शन नहीं है, तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं है ना। और ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या आएगा, पहले तो मैंने म्यू आई नॉट डी साइन थीटा बाहर निकाल लिया, अपॉन 4 पाई भी बाहर निकाल लिया है ना, और अब मैंने इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करा, तो जब मैं ई की पावर एक्स को सॉल्व करता हूँ तो ई की पावर एक्स तो आता ही है जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी है ना, और साथ में क्या आएगा, माइनस का जे ओमेगा बाई वी इंटू माइनस का जे ओमेगा अपॉन वी है ना। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि हमने जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आएगा, टी तो 0 हो जाएगा और आर बाई वी मतलब माइनस का 1 बाई वी, तो जे ओमेगा डिवाइड बाई वी विद अ नेगेटिव साइन, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी किसकी, डेल ओवर डेल आर ऑफ आर ए थीटा है ना। सिमिलरली मुझे दूसरा कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, डेल ओवर डेल थीटा ऑफ ए आर, तो आप वो भी ऐसे ही निकाल सकते हो, डेल ओवर डेल थीटा है ना, और ए आर कितना था, ए आर आपको ऑलरेडी पता है, म्यू नॉट आई आई नॉट म्यू म्यू नॉट नहीं, सिंपल म्यू ठीक है, क्योंकि हम जनरल मीडियम के लिए बात कर रहे हैं, म्यू आई नॉट डी यहाँ पर था कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ये था ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। अब आपको पता है कि कॉस थीटा को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा है ना, एंड एवरीथिंग एल्स विल बी सेम बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस का साइन थीटा है ना, तो ये हो जाएगा म्यू म्यू आई नॉट है ना डी साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बाहर आ गया डिवाइड बाई 4 पाई आर, और ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी ठीक है। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को, इसको इन दोनों ही पार्ट्स को अपना उस प्रीवियस वाली इक्वेशन में जो हमने एच फाई के लिए निकाली थी, डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ ए आर, वो दोनों इक्वेशंस के अंदर रख देंगे, यानी अल्टीमेटली मुझे इसको और इसको निगेटिव साइन के साथ ऐड कर देना है, तो मैं सीधे माइनस की वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, अल्टीमेटली मुझे इसको और इसको ऐड कर देना है सिंपल ठीक है, तो इसको और इसको ऐड कर दोगे और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एच फाइव है ना, तो कर लेते हैं ऐड, एच फाइव मेरा एल एच एस वाला पार्ट था वो कितना था, दैट विल बी सिंपली वॉट, डेल बाई डेल आर ऑफ आर ए थीटा माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ ए आर ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करा था किसके साथ, जो भी मेरा वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 1 डिवाइड बाई म्यू आर, तो अब मैंने इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को पिछले वाले पेज से उठा करके यहाँ पर रख दिया, और 1 अपॉन म्यू आर चूंकि बाहर था ही मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो देखो आई नॉट डी साइन थीटा ठीक है डिवाइड बाई 4 पाई म्यू भी था आई थिंक इसके साथ ना, ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, एक तो वैल्यू ये थी है ना, और साथ में क्या था, जे ओमेगा बाई वी, और दूसरी वैल्यू में यही वैल्यू थी यहाँ पर था म्यू आई नॉट डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर था यहाँ पे, और ये था ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी ठीक है। अब मुझे देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, सबसे पहले तो ये म्यू दोनों में है, म्यू इसमें भी है म्यू इसमें भी है, म्यू से म्यू काट दो ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा कॉमन है और ये भी पूरा का पूरा कॉमन है, आई नॉट डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई और आई नॉट डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई दोनों ही एक्सप्रेशन में आ रहा है,
और ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी भी दोनों में आ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन ले लो, आई नॉट डी साइन थीटा अपॉन 4 पाई, है ना, आर ऑलरेडी बाहर है तो आर यहाँ एज इट इज रहेगा, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, ये आ गया, और क्या बचा, ये बचा जे ओमेगा बाई वी प्लस का 1 बाई आर, है ना, और अगर मैं इस वाले आर को भी अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं अंदर ले गया तो दिस विल बिकम आर और आर स्क्वायर, मतलब इसमें दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा एच फाइव, ठीक है, अब मेरे पास एच फाइव आ गया तो ऑलरेडी एच भी पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है सिंपल एच आर ए आर कैप प्लस एच थीटा ए थीटा कैप प्लस एच फाइव ए फाई कैप, तो ये दोनों तो जीरो हैं ऑलरेडी, तो मेरा पूरा पूरा अल्टीमेटली ये दोनों तो हट गए, ये पूरा एच वेक्टर मेरे को मिल गया, दिस विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट वी विल यूज फॉर फर्दर स्टडी। तो अब बात करते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस की, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल पावर कितनी रेडिएट कर रहा है, और पावर को रेडिएटेड पावर को कैलकुलेट करने का मेरे पास एक तरीका है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, किसी भी फील्ड का पॉइंटिंग वेक्टर अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द लार्ज स्फीयर दैट गिव्स द टोटल पावर रेडिएटेड, है ना, अगर मुझे पावर पॉइंटिंग वेक्टर मुझे पता लग गया, पॉइंटिंग वेक्टर मतलब सिंपल ई और एच का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ई एक डायरेक्शन में है एच दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसके उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी पावर रेडिएटेड होगी। तो अगर मेरा पावर रेडिएटेड मुझे निकालनी है तो ई क्रॉस एच मतलब सीधे सीधे ये मेरी आएगी पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर पावर डेंसिटी, पावर डेंसिटी अगर मैं उसको ओवर द सरफेस एरिया मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर रेडिएटेड मिल जाएगा, है ना। तो ये जो पावर है इस पावर को हम आई स्क्वायर आर से इक्वेट कर देंगे, और जहां पर आई जो है मेरी वो क्या है, आर एम एस करंट है, रूट मीन स्क्वायर करंट है डाइपोल के अंदर जो फ्लो हो रही है। अब आर एम एस करंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बेसिकली अगर इसमें साइनोसॉइडल करंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी अगर मैं डीसी करंट लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डीसी नहीं है कोई भी वेरिएशन उसके अंदर है, टाइम का फंक्शन है, तो उस टाइम के फंक्शन की वजह से क्या होगा, उस टाइम के फंक्शन की वजह से हर इंस्टेंट पर उसके अंदर अलग अलग एम्पलीट्यूड्स अवेलेबल होंगे। तो ऐसे केस में हम एवरेज करंट निकालेंगे, उसको रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं, और उस आई स्क्वायर आर में आर जो है वो मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस है, इन आई स्क्वायर आर से मैं पावर रेडिएटेड कैलकुलेट कर लूंगा और फिर वहां से आर की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज सिंपली ई क्रॉस एच, है ना। अब चूंकि एवरेज है तो एवरेज के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसका रियल पार्ट लिया केवल और उसको आधा कर दिया, हाफ एवरेज मतलब हाफ, ठीक है, और उसके बाद मैंने ई और एच फील्ड्स के फार फील्ड कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करे। तो फार फील्ड कॉम्पोनेंट्स ही क्यों लिए मैंने, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ फार फील्ड कॉम्पोनेंट्स ही लूंगा, क्योंकि डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए मेरी पावर, तभी वो रेडिएट कर पाएगी, अदरवाइज ऐसा होगा कि जब मैं एंटीना के पास हूँ तो मेरे को ज़्यादा पावर मिल रही है, जब मैं एंटीना से बहुत दूर चला गया तो मेरे को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पावर मिल रही है। तो जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं फार फील्ड, और फार फील्ड कॉम्पोनेंट्स मेरे होंगे ई थीटा और एच फाई के, क्यों अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पावर रेडिएटेड अगर मुझे निकालनी हो तो पावर रेडिएटेड पी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई थीटा एंड एच फाई स्टार। एच फाई स्टार मतलब सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ फाई एच फाई, ठीक। अब मैंने ई और एच फार फील्ड कॉम्पोनेंट हमने कैसे आइडेंटिफाई करें, तो फार फील्ड कंपोनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस फार फील्ड कंपोनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कि जो भी मेरा ई है या एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1 अपॉन आर के, ठीक है। तो जब आप देखोगे
ई में मैंने दो कंपोनेंट्स निकाले, एक ई आर और एक ई थीटा, है ना, और एच में निकाला मैंने एच फाई। इन तीनों में ही ई थीटा में 1/r का प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल वाला कोफिशियंट है, यानी हम इसको लेंगे। एच फाई में भी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर वाला कॉम्पोनेंट है, इसलिए हम इसको लेंगे। और इसके अंदर कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है जो वन अपॉन आर के प्रोपोर्शन में हो, ठीक है, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। दूसरा रीजन एक और भी है, मैंने अभी आपको बोला कि पावर रेडिएटेड है ना, ये जो वो होगी पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन में। वो कैसे निकालते हैं हम, ई अगर इस डायरेक्शन में है, एच अगर इस डायरेक्शन में है, तो पावर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दी दिस डायरेक्शन। सो ई अगर ये है, एच अगर ये है, तो पावर मेरी इस डायरेक्शन में होगी, ई क्रॉस एच, ठीक है। दैट मीन्स पावर रेडिएटेड हमेशा क्या होगा, पावर रेडिएटेड हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, उन दोनों ही प्लेन के, उन दोनों ही फील्ड्स के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि मेरी एंटीना से पावर रेडिएटेड निकल रही है आर डिस्टेंस पर, है ना, ऑब्वियसली एंटीना से दूर, दैट मीन्स एज अ फंक्शन ऑफ आर, तो ऑब्वियसली वहां पर उस फील्ड का ई आर कॉम्पोनेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ई आर होगा तो मेरी पावर रेडियल डायरेक्शन में आर डायरेक्शन में होगी ही नहीं, उसके अंदर ए आर कैप वाला कॉम्पोनेंट होगा ही नहीं। उसके अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट होगा, या तो थीटा वाला होगा या फाई वाला होगा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, रेडियल कॉम्पोनेंट निकालना है पावर का। और रेडियल कॉम्पोनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि रेडियल कॉम्पोनेंट किसी भी फील्ड का, चाहे ई का हो या एच का हो, उस पावर कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए कि क्यों मैंने फार फील्ड कॉम्पोनेंट वन अपॉन आर वाला प्रोपोर्शन में लिया ई थीटा और एच फाई, और क्यों मैंने इस पावर रेडिएटेड को ई थीटा और एच फाई लिया, बिकॉज द पॉइंटिंग वेक्टर सेज दैट वो दोनों ही डायरेक्शन के, दोनों ही वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है मेरी पावर प्रोपेगेटेड। तो अब पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई, मुझे पता है कि ई थीटा और एच फाई उन दोनों का रेशियो जो होता है वो कितना होता है, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द फ्री स्पेस या इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द फ्री स्पेस, जो भी आप बोलना चाहो। तो यहाँ से मैं ई थीटा भी निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ जेड एंड एच फाई, या फिर मैं एच फाई भी निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई थीटा डिवाइड बाई जेड, जो भी आपका मन करे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आइदर यू कैन गो विद दिस और यू कैन गो विद दिस, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है मेरी अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, है ना, मेरी परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, उन दोनों को डिवाइड करके उसका अंडर रूट कर दोगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, उस मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं ई थीटा देखूं, तो ई थीटा क्या हो जाएगा मेरा, एच फाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, ठीक है। अब अगर मैं ई थीटा और एच फाई की मल्टीप्लाई करूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ई थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं एच फाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, और एच फाई की जगह एच फाई, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एच फाई स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, ठीक है, सिंपल। और अब जो मेरी पावर निकल रही थी वो क्या निकल रही थी, हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई थीटा एंड एच फाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये रिलेशनशिप एज इट इज लिख सकता हूँ, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आ गई और 1/2 मेरा साथ में आ जाएगा, तो दिस विल बी पी आर। सो पी आर इन दिस केस विल बी, पी आर विल नाउ बिकम हाफ ऑफ एच फाई स्क्वायर। मैंने मॉड क्यों लगाया है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटाने के लिए मैं यहाँ मॉड इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है फर्दर, और वहाँ से मैं इस रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ द पावर से, पॉइंटिंग वेक्टर्स के इस्तेमाल से, मैं रेडिएशन रेजिस्टेंस कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। तो अब मेरी टोटल पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगी, सपोज मैं उस टोटल पावर रेडिएटेड को इस्तेमाल बोल रहा हूँ कि टोटल पावर रेडिएटेड इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, तो मेरी वो रेडिएटेड पावर कितनी हो जाएगी, दैट विल बी W, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रेडिएटेड कॉम्पोनेंट इन टू डी एस, है ना। पॉइंटिंग वेक्टर हमने सॉल्व करा था पी आर, उसको अगर मैं ओवर द सर्फेस एरिया कर दूंगा तो ये मेरे को रेडिएटेड पावर मिल जाएगी। पी आर की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू
अपॉन एप्साइलन, इसको बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, ओवर द सरफेस एरिया, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसको, एच फाई स्क्वायर को, और सरफेस एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली सरफेस एरिया जिसमें आर ना आए, यानी थीटा और फाई का फंक्शन हो, और वो कितना होता है, वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब मुझे अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है टू कैलकुलेट द टोटल पावर। नाउ एच फाई क्या था, एच फाई मेरे पास दो कॉम्पोनेंट थे, मेरे पास एच फाई में एक वन अपॉन आर वाला कॉम्पोनेंट था, एक वन अपॉन आर स्क्वायर वाला कॉम्पोनेंट था। फार फील्ड कॉम्पोनेंट मुझे लेना है, फार फील्ड कॉम्पोनेंट दैट मीन्स फार फील्ड कॉम्पोनेंट ऑफ एच फाई, ठीक है, और वो कितना होगा, वो होगा जो एच फाई प्रोपोर्शनल हो वन अपॉन आर के, ये वाला कॉम्पोनेंट मुझे लेना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आई नॉट डी साइन थीटा अपॉन फोर पाई इन टू ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था, जे ओमेगा बाय आर वी, है ना, ये मेरा फार फील्ड कॉम्पोनेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आर स्क्वायर वाला कॉम्पोनेंट था उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो फार फील्ड कॉम्पोनेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके मैं इस एच फाई की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं उसको इस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख लूंगा, तो मेरा टोटल रेडिएटेड पावर आ जाएगी। तो एच फाई का स्क्वायर देख लेते हैं, वो कितना होगा, एच फाई का स्क्वायर कितना होगा बताओ, देखो जे ओमेगा है, जे का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर फोर पाई आर वी का होल स्क्वायर, ठीक है, और चूंकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब e की पावर j, मतलब कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स, और उसका कॉस स्क्वायर प्लस जे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना, उसको मॉड करेंगे तो वो क्या आएगा, वन आएगा, तो वो वन मल्टीप्लाई अगर हम कर भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्टीमेटली एच फाई की वैल्यू मेरी इतनी आ गई। इस एच फाई की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, एच फाई के अंदर। अब देखो अगर मैं इसके अंदर ये वाली वैल्यू रखता हूँ या यहीं पे मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ ओवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर, ये टोटल क्या आ जाएगा मेरा, दिस विल बी डब्ल्यू, ठीक है, और साथ में वन अपॉन टू अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन तो चल ही रहा है, तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक और बड़ा रीजन है मैंने यहाँ आर ही क्यों लिया, क्योंकि जब मैं आर आर के दो कॉम्पोनेंट लूंगा तो वो आर इन टू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, और वो आर स्क्वायर इस वाले आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अब ये पूरी की पूरी फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई डिस्टेंस आर से। तो अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया वन बाई टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, ये मैंने कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, ठीक है, इंटीग्रेट करना है मेरे को किसको, ओमेगा स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी फाई को, डिवाइड बाई क्या था, फोर पाई आर तो खत्म ही हो गया, वी होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरी की पूरी चीज जो है ये पूरी की पूरी कॉन्स्टेंट है, थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन, ठीक, और यहाँ बचा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, अब यहाँ पर थीटा और फाई की लिमिट्स आएंगी, थीटा इंटीग्रेट होगा ओवर द स्फीयर 0 टू पाई और फाई 0 टू 2 पाई, क्योंकि थीटा की लिमिट होती है मैक्सिमम 0 से पाई और फाई की लिमिट होती है मैक्सिमम 0 से 2 पाई, ये मेरे पावर रेडिएटेड की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं W, है ना, W मेरा क्या था, पावर रेडिएटेड फार फील्ड, है ना, फार फील्ड में पावर रेडिएटेड कितनी है वो मेरी W से रिप्रेजेंट हो रही है। अब मैं 1 अपॉन 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन तो बाहर था ही, इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई वी का होल स्क्वायर, ठीक, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ फाई का फंक्शन कुछ भी नहीं है, फाई को सिंपल इंटीग्रेट कर लो, फाई की लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0
पाई के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और साइन थीटा को, साइन थीटा को 0 से पाई हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब थीटा को, और साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस 4, सॉरी साइन 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, है ना, अपॉन 4 डी थीटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद इसकी लिमिट रख दो, तो हमें इसको सॉल्व करना है अल्टीमेटली W, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 पाई, इस वाले 2 से चाहे तो आप 2 काट दो, और इस वाले 1 पाई से आप चाहे तो ये वाला 1 पाई काट सकते हो, अदरवाइज बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें अल्टीमेटली क्या सॉल्व करना है, हमें अल्टीमेटली सॉल्व करना है इस 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा अपॉन 4। तो इस वाले 4 को बाहर ले लो, ठीक है, तो ये इस कॉन्स्टेंट के साथ आ जाएगा, और अल्टीमेटली मुझे इस इंटीग्रेशन में सॉल्व करना है 0 से लेकर के पाई तक, है ना, 3 sin थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन 3 थीटा डी थीटा, है ना, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे कोफिशिएंट के साथ। और मैंने 1/4 ऑलरेडी एक बाहर ले ही रखा है ना, 1/4 मैंने ये वाला बाहर ले लिया, और ये पूरा पूरा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई कितना था, 3 sin थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, है ना, तो माइनस का 3 बाहर ले लो, कॉस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस का 3, और ये हो जाएगा कॉस पाई मतलब -1, और 0 माइनस का 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट मीन्स दिस विल बिकम 6। और जो मेरा दूसरा वाला पोर्शन था 0 से लेकर के पाई तक साइन 3 थीटा, है ना, डी थीटा, इसमें आप रख दो तो ये हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम माइनस का कॉस 3 थीटा अपॉन 3, इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई तक, अगेन माइनस का 1/3 आपने बाहर ले लिया, है ना, और एक हो गया कॉस 3 पाई माइनस कॉस 0, अगेन दिस विल बी द सेम, दैट मीन्स माइनस का 1/3 एज इट इज, ये हो गया -1, और ये हो गया मेरा 1, दिस विल बी माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 2/3, तो 6 + 2/3, है ना, ये 6 - 2/3, क्योंकि अंदर वाला ये वाला चीज नेगेटिव थी, ठीक है, ये मैं सॉल्व कर लूंगा। तो अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, साइन 3 sin थीटा -4 - sin 3 थीटा डी थीटा, है ना, यानी इसकी वैल्यू निकाली मैंने 6, और इसकी वैल्यू निकाली मैंने -2/3, है ना, ये वैल्यू मेरी आ गई, ठीक। तो 6 18 - 2 16/3, दिस विल बिकम 16/3, ठीक है, 16/3 आ गया, और इस 16/3 और 16/3 को हम आगे वैल्यूज में रख देंगे, और फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 16/3 इसकी वैल्यू थी, है ना, तो 16/3 इसकी वैल्यू थी, 1/4 साथ में आया था, उसके बाद क्या था, ओमेगा स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई वी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू 2 पाई। सारी वैल्यूज में दोबारा लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, सो दिस विल बिकम दिस 2 पाई से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है, और ये 4 से ये 16, 4 बार कैंसिल, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन इंटू पाई इंटू 4/3, 4 से ये कट गया 4 टाइम्स, एंड दिस पाई विल गेट कैंसल्ड आउट विथ दिस पाई। तो अब मेरा क्या बचा, मेरा बचा 1/12 अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
डी स्क्वायर अपॉन पाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस करूँगा इन टर्म्स ऑफ बीटा। बीटा मेरा है रेडिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और उस बीटा की वैल्यू को मैं आगे 2π/λ के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ओमेगा बाई वी इज बेसिकली बीटा, तो इस ओमेगा और वी को मैंने लिख लिया यहाँ पे बीटा। ठीक है, फेज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो उसको मैंने बीटा लिख लिया। तो ये हो जाएगा मेरा 1/12π√μ/ε I0² β² d² ठीक है, ये मेरा अभी फिलहाल के लिए W की वैल्यू आ गई। इसको और फर्दर सॉल्व करना है मेरे को। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए मुझे इस W को कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, I²R के साथ। W मेरा क्या है, IRMS² × R रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब IRMS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I0 क्या होती है वो मुझे पता होना चाहिए। तो अगर मैं साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन मानूं, है ना, अगर मैं साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन मानूं करंट का, है ना, इन द डाइपोल, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैं लिख सकता हूं दैट IRMS = maximum/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है I0, और √2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इस I0 की जगह पे मैं IRMS रख दूंगा, मतलब √I0/√2। I0 की वैल्यू क्या रख देंगे, √2IRMS, और फिर मैं उसको कंपेयर कर लूंगा दोनों साइड से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो I0² W मेरा क्या था, W मेरा था I0² d² β² / 12π। ठीक है, √μ/ε, और मुझे इसको बराबर करना है किसके, IRMS² × RR के। तो चाहे तो आप यहाँ पर IRMS की वैल्यू I0/√2 रख दो, यहाँ पर रखना आसान है, दिस विल बी I0/2 I0² / 2 × RR, और यहाँ से I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका RR कितना आ जाएगा, दिस RR आपको केवल इसको और इसको कंपेयर करना है ना। तो RR की वैल्यू कितनी आ गई, RR की वैल्यू सिंपल आ गई आपकी d²β² / 6π√μ/ε। ठीक है, ये आपका RR की वैल्यू मेरी मिल गई। अब यहां पर बीटा, बीटा की वैल्यू को हम रखेंगे, ये बीटा जो है मेरा वो कितना है 2π/λ है, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू को 2π/λ रख दें, तो आर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आर की वैल्यू हो जाएगी d² × 2π/λ² / 6π√μ/ε। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4π² है ना d²/6π/λ² √μ/ε। पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सो दिस विल बी 2/3π d²/λ² √μ/ε। ये मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस आया किसी भी जनरल मीडियम के लिए। अब अगर मैं उस मीडियम को फ्री स्पेस मीडियम एज्यूम कर लूँ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, तो फ्री स्पेस में हम इसको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, म्यू और एप्सिलॉन को, और वहाँ पर इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी निकल करके। ठीक है, तो मेरा आरआर क्या आया था, आरआर आया था 2/3π d²λ² √μ/ε। अब अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, तो फ्री स्पेस में, फॉर फ्री स्पेस म्यू विल बी म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट एंड √μ/ε
ये सारी वैल्यूज अगर हम लगा दें फ्री स्पेस की परमीबिलिटी और परमिटिविटी की, तो इसकी वैल्यू होती है 120 पाई। ठीक है, इस 120 पाई को मैं सीधे सीधे यहाँ पर रख दूंगा, तो दिस आर आर विल बिकम 2/3 पाई डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर इंटू 120 पाई। ठीक है, सो दिस थ्री दिस विल बी कैंसल्ड बाई 40 टाइम्स, सो दिस विल बी 40 इंटू टू, टू इंटू 40 पाई स्क्वायर डी ओवर लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो दिस आर आर विल बिकम 80 पाई स्क्वायर डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर। अब ये मेरा एक जनरल एक्सप्रेशन है रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द फ्री स्पेस के लिए। अगर मुझे उस डाइपोल की लेंथ पता है डी इन टर्म्स ऑफ लेमडा, फॉर एग्जाम्पल डी इक्वल्स टू लेमडा बाई टू या डी इक्वल्स टू लेमडा बाई फोर या डी इक्वल्स टू थ्री लेमडा बाई टू, थ्री लेमडा बाई फोर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड सो ऑन, फाइव लेमडा बाई एट, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर डी बाई लेमडा की वैल्यू को रिप्लेस कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस आ जाएगा एंड दैट विल बी इन ओम्स। क्लियर हो गया, दिस इज द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसमें अगर मैं डाइपोल की लेंथ को इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ पुट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डाइपोल का टॉपिक कंप्लीट हुआ।